الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقال الله تعالى في مقام آخر إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مدار اس کے اعمال پر ہے۔ جو انسان اپنے اعمال کو سنوار لے اللہ اس کے دونوں جہان سنوار دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے اعمال کے سنوارنے سے غافل رہا گناہوں میں غفلتوں میں مشغول رہا اس نے اپنے دونوں جہان برباد کر لیے۔ عام طور پر سننے سنانے میں سمجھنے سمجھانے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اگر اعمال اچھے ہوں تو اس کی آخرت اچھی ہوگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی آخرت تو اچھی ہوگی ہی صحیح، اچھے اعمال کی برکت سے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے۔ چند ایک باتیں مثال کے طور پر ہم سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی انسان کی کامیابی تو اچھے اعمال پر ہے دنیا کے اعتبار سے۔ آپ لوگوں نے کبھی آج تک دیکھا کہ جو شخص چوری کرتا ہو اسے عزت ملتی ہے، چور کو ہر کوئی گھٹیا نظر سے دیکھتا ہے،
और चोरी के मुकाबले में इंसान जो दूसरों के चीज़ों का मुहाफिज हो उसको हर कोई अच्छी नज़र से देखता है। तो चोरी करना गुनाह है और दूसरों की चीज़ की हिफाजत करना नेकी है, तो इज्जत किससे मिलती है? नेकी से मिलती है। झूठा आदमी जब तक उसका झूठ पकड़ा न जाए काम चलता रहेगा, और जैसे ही झूठ का पता चलेगा तो वो लोगों की नज़र में तो क्या, वो अपने बीवी बच्चों की नज़र में एक टके का नहीं रहता। और इसके मुकाबले में सच है, सच्चा आदमी अगर किसी वक्त मिट्टी को भी सोना कह दे तो उसकी बात पे हर कोई यकीन कर लेता है। और झूठे बंदे को कसमें खानी पड़ती हैं, उसकी बात को कोई भी नहीं मानता। तो ये जो नाकामी और परेशानी और जिल्लत देखनी पड़ती है, ये सच की वजह से है या झूठ की वजह से? तो झूठ बोलना गुनाह है, सच बोलना नेकी है, तो नेकी से इंसान को फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं कि अगर हम खालिस माल बेचें तो हमारे तो खर्चे पूरे नहीं होते, गोया के गुनाह करने के लिए तो बहाना बनाते हैं। और जो आदमी मिलावट से चीज़ बेचता है, दो दिन, चार दिन, दस दिन, महीना, साल बेच लेगा, आखिर उसका काम बंद हो जाएगा। और जो आदमी खालिस चीज़ बेचता है, हमने देखा लोग शहरों का सफ़र करके उससे चीज़ खरीदने के लिए आते हैं। तो मिलावट करना गुनाह है, और लोग और चीज़ को जो है वो साफ़ सुथरा एक नंबर बेचना ये नेकी है, तो कामयाबी किससे हुई? नेकी से हुई। दूसरे आदमी को लोगों के सामने जलील कर देना गुनाह है, और दूसरों की इज्जत और तौकीर करना नेकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, अपनी जायदाद और अपने कारोबार और अपनी शोहरत और इज्जत के बलबूते पे वो गरीब लोगों को बेइज्जत कर देते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि लोगों के दिलों से उनकी इज्जत, अजमत, वक़्त ख़त्म हो जाती है। सामने अगर किसी वजह से वो कुछ नहीं भी कहते तो दिल में कोई हैसियत नहीं होती, और इज्जत तो वो होती है जो दिल में हो। और गरीब से गरीब आदमी है, दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, उसकी इज्जत करता है, एहतराम करता है, तो लोग उसको इज्जत की नज़र से देखते हैं। दूसरों को बेइज्जत करना गुनाह है, दूसरों को इज्जत देना नेकी है। तो आप बताइए कि इंसान को इज्जत नेकी से मिली या गुनाह से मिली? तो इंसान की पूरी ज़िंदगी की कामयाबी का दारो मदार नेकी पर है। दुनिया में भी कामयाबी नेकी से होती है और आखिरत में भी कामयाबी नेकी से होती है। आज का इंसान बड़ा अजीब है कि अल्लाह ताला से कामयाबी मांगता है और करता गुनाह है। इस बंदे की मिसाल उस शख्स जैसी है
कि जो जहर की गोलियां फांक रहा है और झोली फैला फैला के अल्लाह से सेहत मांग रहा है। आपका क्या ख्याल है, इस बंदे की दुआ कबूल हो जाएगी? आप जरा अपनी अकल से सोच के बताएं कि क्या इसकी दुआ कबूल हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्या अल्लाह जहर खाने के बाद सेहत देने पर कादिर नहीं है? है ना कि बंदा जहर खाए और अल्लाह बंदी को सेहत दे, अल्लाह ताला कादिर है, लेकिन दुआ कबूल होगी नहीं। क्यों? गुनाह इसलिए दुआ कबूल नहीं होगी कि जहर खाने को अल्लाह ने गुनाह बना दिया, मना कर दिया कि ये नहीं करना। अब ये बंदा अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह ताला से दुआ को पूरा करवाना चाहता है और अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया है, मेरे बंदो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगे। एक अजीब बात है, कुरान मजीद की एक आयत है दूसरे पारे में, ज़रा उसको गौर से सुनिए। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے محبوب جی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے کہ ہمارا رب کہاں ہے, آپ ان کو کہہ دینا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, وہ تو تمہاری شارب سے زیادہ قریب ہے, تمہاری پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے, اور تمہاری پکار بھلے دل ہی میں کیوں نہ ہو اللہ دل کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ یہ پکار وہ سنے گا کس کی, اشارہ دے دیا, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, وہ سنے گا اس کی جو اس اللہ کی بات کو قبول کرے گا, جو اللہ کی بات کو مانے گا اللہ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں, بیٹا بیمار ہو گیا تو ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم ہمیشہ اپنی صحت کو برباد کرتے رہتے ہو, اب اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی نا تو میں نے تمہیں دوائی کوئی نہیں لے کے دینی, اب یہ اس بچے کے لیے دو آپشن ہیں, ایک یہ کہ یہ اپنی خواہش پوری کرے, جو اس کی طبیعت چاہ رہی ہے چٹ پٹی چیزیں جا کے کھا لے اور طبیعت خراب کر لے, غور سے سننے کی بات ہے, طبیعت خراب کر لے اور پھر آگے ماں کو بتائے کہ امی میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, تو ماں کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ جس چیز کے کھانے سے اس کو میں نے منع کیا تھا اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے یہ پھر وہی کھا کے آیا پھڑا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں, بچہ باوجود اس کے بیمار ہے اور ماں سے آ کے کہہ رہا ہے امی میری طبیعت خراب ہے مجھے دوائی لے دیں, ماں کہے گی جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے, تجھے کتنی دفعہ میں نے منع کیا ہے, آپ ذرا اس بیماری میں ذرا تکلیف بھگتو نہ, تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیسے کہنا نہیں مانتے۔ اب یہ بچہ سوائے اس کے کہ اپنی ماں کو یقین دہانی کروائے امی میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کھاؤں گا, اگر یہ یقین دہانی کروا دے تو دوائی مل جائے گی, اور اگر یہ یقین دہانی نہیں کرواتا اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے تو اس کو ماں جو ہے وہ باوجود اس کے کہ محبت بھی ہے شفقت بھی ہے ممتا بھی ہے ہمدردی بھی ہے خیر خائی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اور دوسری طرف اگر ماں نے منع کیا اور اس بچے نے مکمل طور پر پرہیز کیا اور پھر بھی اللہ کی مشیت سے یہ بیمار ہو گیا, اب ماں کو پورا یقین تھا کہ میرے بیٹے نے اس دفعہ تو ذرا بھی کوئی کوتاہی نہیں کی
लेकिन फिर मामला ख़राब हो गया है तो माँ से इसने आगे कहा, अम्मी दवाई बेटा मैं भी लेके चलती हूँ। इसकी बात को पूरा करने में कोई देर लगी है? नहीं। क्यों? इसलिए कि माँ समझती है कि इसने मेरी बात का ख्याल किया है। तो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करते हुए अमल तो मामला ख़राब नहीं होता, और अगर ख़राब हो जाए तो अल्लाह ताला बंदे की दुआओं को सुन के उसको संवारने में देर नहीं करते। ऐसा मामला नहीं है कि नेकों की सेहत ख़राब नहीं होती, ऐसा मामला नहीं है कि नेकों का कारोबार नहीं ख़राब होता, नेकों के हालात ख़राब नहीं होते, नेकों को मसाइल पेश नहीं आते, नेकों को मुश्किलात का सामना नहीं होता, नेकों का दुख नहीं आता। ये सारे मामलात उनके साथ भी होते हैं, लेकिन अल्लाह उनको निहत्ता नहीं छोड़ता। जब वो अल्लाह के दरबार में आए तो अल्लाह उनको कभी खाली और मायूस नहीं मोड़ता। तो इंसान की कामयाबी का दारो मदार उसके अच्छे अमाल पर है। जो आदमी अपने अमाल को संवार ले, उसको अपने हालात के संवारने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। लोगों में ये बात मशहूर है कि जी अगर बंदे की खुराक अच्छी हो तो उसको दवाइयाँ नहीं फांकनी पड़ती, जब खाना ही ठीक नहीं है तो फिर जो है वो इंसान की सेहत कैसे ठीक रह सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेहत तो अल्लाह ही देते हैं, गौर से सुनिए, सेहत तो अल्लाह ही देते हैं, लेकिन अल्लाह ने सेहत को अच्छी ग़िज़ा में रखा हुआ है। और बीमारी तो अल्लाह ही देते हैं, लेकिन बीमारियों को अल्लाह ताला ने गलत किस्म की ग़िज़ाओं में जो बंदे के लिए नामुनासिब है उसके अंदर डाल दिया। जिन लोगों की ज़िंदगी में अच्छी ग़िज़ाएँ थी, अच्छा खाना था, साफ़ सुथरा खाते थे, वो आज बूढ़े होके भी जवानों से सेहतमंद है। और जिसने जवानी में जो है वो मुंह के चस्के लिए हैं और इधर उधर की ऐसी वैसी चीज़ें खाई हैं, तो वो बूढ़ा होने से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। तो जैसे अल्लाह ताला ने सेहत को अच्छी ग़िज़ा में छुपाया है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने अच्छी ज़िंदगी को, खुशगवार ज़िंदगी को, कामयाब ज़िंदगी को अल्लाह ने अच्छे आमाल में छुपाया। आप चंद नेक आमाल को अपना जो है वो वतीरा बना लें, अपनी आदत बना लें, फिर आप देखें कि आपको मुआशरे में इज़्ज़त मिलती है या नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हमें सच बोलने का कहा, झूठ बोलने से मना किया। आप अपनी आदत बना लें कि आप हमेशा सच बोलें। आप आधे मुंह से बात करेंगे किसी को, लोग आपकी बात को फौरन तस्लीम कर लेंगे। और आज हमारा हाल ये है कि हम अपने बच्चों के सामने, बाहर मुआशरे में नहीं, गली मोहल्ले में नहीं, बाहर लोगों में नहीं, अपने घर के लोगों में, बच्चों में, बीवी के सामने, अपने भाइयों के सामने हम बात करते हैं, हमारी बात को तस्लीम नहीं किया जाता। वजह क्या है? कि हम झूठ बोलने के आदि होते हैं। जिंदगी का साथी है और उसको पता है कि भाई इस बंदे की झूठ बोलने की आदत है, बंदा अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए कसमें खा रहा होता है। तो आप सच बोलने की आदत बना लें, आप जिस बंदे को बात करेंगे हर बंदा आपकी बात पे यकीन कर जाएगा। और अगली बात भी है कि सच बोलने वाले बंदे की बात पर सिर्फ मखलूक ही यकीन नहीं कर जाएगी। अगली भी बात है कि सच बोलने वाली जुबान जब अल्लाह से कुछ कहती है तो अल्लाह भी उस जुबान से निकली हुई बात पे यकीन फरमाते हैं। अच्छा, मेरे बंदे ने ये बात की है, अब मैंने इस बंदे की बात को पूरा करना है। सच्ची जुबान से निकली हुई दुआएं जो है वो रद्द नहीं होती। तो इंसान की जिंदगी के
कामयाबी का दारो मदार उसके नेक आमाल पर है और उसकी ज़िंदगी की बर्बादी का मदार उसके बुरे आमाल पर है। इंसान कर बुरा रहा होता है लेकिन उसको अपना बुरा दिखता नहीं है, ये एक मुस्तकिल मसला है कि इंसान को अपनी बुराई बुराई नजर आ जाए, ये अल्लाह ताला की अताओं में से एक बड़ी अता होती है। वरना इंसान करता भी है लेकिन उसको बुराई अपनी बुराई नजर नहीं आती बल्कि अपनी बुराई को इंसान अच्छाई देखता है। मसलन कई लोगों को आपने देखा होगा तबीयत के तेज होंगे, तबीयत में गुस्सा होगा, बात बात पे जो है वो झगड़ेंगे। अब ऐसे बंदे को आप कहेंगे भाई आपकी तबीयत की तेज़ी की वजह से सारा माहौल ख़राब होता है, अब उसको मनवा के दिखाएं, उसको कभी भी महसूस नहीं होता, कहता नहीं नहीं इसने ऐसा काम किया, इसने गलती ऐसी की है। सारी जिंदगी अपनी बीवी के साथ उसकी लड़ने में गुजर जाती है, बूढ़ा हो जाता है लेकिन अभी तक लड़ाई ख़त्म नहीं होती, उस बुढ़ापे में भी बीवी को जो है वो बुरा भला कह के कह रहा होता है इसका ये कसूर है। अब जिस आदमी की तबीयत में तेजी है और लोगों के दरमियान उसका मामला ठीक नहीं रहता तो क्या ख्याल है कि इस बंदे को अल्लाह ताला की रहमतें नसीब होंगी? हरगिज नसीब नहीं होंगी। इस बंदे को बर्बाद करने के लिए और कोई बाहर से चीज लाने की जरूरत नहीं है, इसकी अपनी तबीयत की तेजी ही इसको डुबो देगी। ऐसा बंदा आप देखेंगे उसकी बीवी उससे बेजार, उसके बच्चे उससे बेजार, उसके बहन भाई उससे बेजार, उसके मोहल्लेदार उससे बेजार। तो जब सारे लोग उससे बेजार हैं तो सच्ची बात यह है कि ये बंदा अपने आप से भी बेजार होता है। तो अब इस कैफियत में जो ये पहुंचा है तो इसको किसी ने तावीज किए हुए, इसको किसी ने जादू किया है। लोग बड़े आराम से कह देते हैं किसी ने कुछ कर दिया है, ये लफ्ज कहना तो आसान है लेकिन ये बात अपने आप को मनवाना कि सारी खराबी की जड़ मेरा खुद अपना नफ्स है, ये मामला बड़ा मुश्किल है। आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो अपने अपने हालात के रोने रोते हुए दिखाई देंगे, मर गए हैं, डूब गए हैं, हालात तबाह हो गए हैं, बहुत कुछ किया है बनता कुछ नहीं है, ये कहते हुए नजर आएंगे। आप जरा उनसे बात करें कि भाई आप अपने आमाल को ठीक कर लें तो जवाब मिलेगा कि जी मैंने कभी किसी का हक तो नहीं मारा, जबकि वही बंदा सबसे बड़े मालिक और खालिक का हक दिन रात मारता है। जो बंदा अल्लाह का हक मारने से बाज नहीं आता वो भला किसी मखलूक का हक मारने से बाज आएगा? लेकिन उसको नजर नहीं आता। हम गुनाह करने के बाद हम मासूम बने हुए होते हैं, इस पर मुझे जो है वो एक है तो हिकायत लेकिन लतीफे जैसी है याद आ गई। किसी फैक्ट्री का जो मैनेजर था वो जरा तबीयत का तेज था, तो उसके नीचे जो है वो जितने लोग काम करते थे तो वो बेचारे बड़े परेशान होते थे। एक दफ़ा उसने किसी मुलाजिम को बुलाया और उसको बुरा भला कहा, चुप हो गया, सह गया। चंद दिनों के बाद फिर कोई मौका आया तो फिर उसने उसको बेइज्जत कर दिया। खैर करते करते एक दफ़ा कुछ मेहमान आए हुए थे तो इन साहब ने जो है वो मुख्तलिफ लोगों के ज़िम्मे काम लगाए थे, ये तुमने करना है ये करना है। इसके ज़िम्मे जो काम लगा था इसने बड़ी मेहनत से वो किया था लेकिन
मेहमानों के सामने इसकी फिर बड़ी बेइज्जती हो गई, बहुत बुरा भला कहा। अब इसने दिल में ठान ली कि भाई मैंने यहाँ नहीं रहना, ऐसी रोजी को मैंने क्या करना है कि जिसकी वजह से मुझे रोज़ाना जलील होना पड़ता है। खैर इसने जो है वो इस्तीफा लिख लिया, और लिख के तो साहब के दफ्तर के बिल्कुल सामने आके बैठ गया कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो दरवाज़ा जैसे ही खुला तो ये खामोशी से अंदर चला गया। अब लोगों ने देखा कि कल भी डांट पड़ी थी, परसों भी पड़ी थी, तो साहब इसके ऊपर बहुत गुस्से हैं। तो ये दफ्तर में अंदर गया तो जाके इसने बड़े चुपके से कुंडी लगा दी, और ये साथ अपने जो है वो एक छंटा साथ ले गया था, और वो जो इसने इस्तीफा लिखा था वो तो रख दिया टेबल पे, और वो छंटा निकाल के इसने उस सांप की मरम्मत शुरू कर दी। एक जोर से मारा और चीखा भी खुद ही, हाय साहब माफ कर दें, दोबारा नहीं करूंगा। फिर एक लगाई और फिर जोर से कहा। अब इसके चीखने की आवाज बाहर लोग सुन रहे हैं और मार पड़ने की आवाज भी आ रही। अब बाहर वालों के ऊपर एक अजीब सन्नाटा है, बड़े परेशान हैं कि इतने गुस्से में है साहब, और इस गरीब को पहले दो तीन दफा डांटा भी है और आज तो हद ही कर दी कि मार भी रहे हैं। खैर वो बेचारा शर्म की वजह से अफसर साहब जो है वो आवाज़ नहीं निकाल रहा था, और ये जोर से चीखता भी था और मारता भी था। खैर जब इसने अपनी तसल्ली कर ली ना, तो इसने उसको कहा कि देखो मैंने तो चले जाना है, तेरी इज्जत बेइज्जती का मसला है, अपने आप को संभाल के सीधा होकर बैठ जा। अब इसने जो है वो अपना आप संभाला, सीधा हुआ कुर्सी पे बैठ गया, और इसने कुंडी खोली और ऐसे ही मगरमच्छ वाले आंसू करता हुआ तो ये निकल गया। लोगों ने कहा यार तेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, आज साहब ने तुझे मारा है, बस कहता है बस। तो यूं मजलूम बन के तो ये वहां से निकल गया। अब इसको किसी ने क्या पकड़ना था। अब थोड़ी देर गुजरी, सारा अमला सहमा हुआ था, तो बड़ी हिम्मत करके एक बंदा अंदर गया और उसने जाके कहा कि साहब आज आपने बड़ी ज्यादती की है, उस गरीब को दो तीन दफा पहले आपने बेइज्जत किया और आज तो आपने हद ही कर दी कि बहुत मारा। वो खामोशी से सुनता रहा। थोड़ी देर के बाद ये बात और लोगों के पास पहुंची, किसी और बंदे ने जाके भी यही कर दी, तीसरे बंदे ने भी जाके यही कर दी। अब जब दो चार लोगों ने ये बात की ना, तो ये अफसर कहने लगा बस ठीक है, अंदर की बात या मैं जानता हूं या वो जानता है, अंदर की बात या मैं जानता हूं या वो जानता है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग सारी हरकतें करके, सारी बदअमलियां करके, सारे गुनाह करके फिर हम मजलूम बने हुए होते हैं, और हमें देखने वाले लोग अल्लाह से शिकवे कर रहे होते हैं, या अल्लाह ये गरीब आदमी, या अल्लाह ये बंदा इतना परेशान। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस बंदे के हालात को मैं जानता हूँ, ये जानता पता है मुझे, ये कितना मजलूम है मुझे पता है। हम सारा कुछ करने के बाद मजलूम बन जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह का दीन खोटा नहीं है, अल्लाह का कुरान गलत नहीं हुआ अभी, अल्लाह के नबी के फरमान अभी तक गलत नहीं हुए, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन से अभी तक असर नहीं निकला, अभी तक आमाल बेफायदा नहीं हुए। उसी आबोताब के साथ हैं आमाल, उसी शान और शौकत के साथ है कुरान, उसी सच्चाई और उसी अजमत के साथ है अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन। हम खोटे हो गए, हम अपनी जिंदगी की रविश को बदल लें, अल्लाह हमारी जिंदगी के हालात को बदल दे। अल्लाह ताला ने दो टोक फैसला कर दिया, इशाद फरमाया
وانتم لها كارهون. یہ لوگ اچھائی اور نیکی کی طرف نہ آنا چاہیں ہم زبردستی ان کے اوپر جو ہے وہ اچھائی کو لازم کر دیں گے, ایسا ہم نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ یوں مسلمان بنانا چاہتا, اللہ یوں ہدایت دینا چاہتا, اللہ یوں نیکی کی طرف لانا چاہتا تو آپ کا کیا خیال ہے پوری دنیا میں کوئی کافر اور مشرک رہتا؟ اللہ کسی کو مسلمان بنانا چاہے, اللہ کسی کو نیک بنانا چاہے وہ کیسے نہیں بنے گا؟ لیکن اللہ رب العزت زبردستی نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا, نہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنوارتا درست کرتا, حتی یغیروا ما بانفسہم, حتیٰ کہ وہ اپنی حالت کو خود سنوارنے کی جو ہے وہ نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, کوشش اور محنت شروع کر دیں. جو بندہ اپنے آپ کو سنوارنے کی نیت کر کے محنت شروع کر دے اللہ پھر اس کی مدد کرتے ہیں اور اللہ اس کو سنوار ہی دیتے ہیں. کتنے ہسپتال ہیں, کتنے ڈاکٹر ہیں, لیکن گلیاں محلے مریضوں سے بیماروں سے بھرے پڑے ہیں. کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ زبردستی جا کے مریض کو دوائی دے کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں یہ بات ہے کہ جو بھی مریض آ کے اپنا جو ہے وہ معاملہ ڈاکٹر کے سامنے کھولتا ہے تو پھر ڈاکٹر بھی اس کو دوائی کے ذریعے سے صحت یاب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. آج ہم اپنی برائیوں کو جھوٹ کے ذریعے سے چھپائے پھرتے ہیں, ہم اپنی گندگیوں کو جو ہے وہ اپنی ظاہر داری سے چھپائے پھرتے ہیں, اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا. جو ہم آج اپنے اندر دیکھتے ہیں, جو بڑے سے بڑا نیک آدمی ہے اس کی ذرا اندر کی ہسٹری کھول کے دیکھو تو بندہ اللہ مان واللہ بیت کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ اوپر سے اتنا نیک فرشتہ نظر آتا ہے اور اندر سے اس کی یہ حالت ہے. تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کیسا ہے. ہاں اس سے ضرور سروکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال اچھے ہوں اور اللہ اس کے ساتھ حالات برے کرے, اللہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے. ارشاد فرمایا ما يفعل اللہ بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم, اللہ ان کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کسی کو تنگی میں, تکلیف میں, مصیبت میں ڈال کے اللہ فرماتے ہیں میں کیا کروں گا, مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ان شکر تم آمن تم, اگر یہ شکر گزار بن جائیں, اگر یہ ایمان والے بن جائیں. لیکن اگلی بات وکان اللہ شاکرا علیما, کہ اللہ کو پتہ ہے کون شکر گزار ہے اور کون جو ہے وہ نہ شکرا ہے نہ فرمان ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو خوب پتہ ہے. شکر گزاری اس کا نام نہیں ہے کہ انسان جو صرف زبان کی نوک سے جو ہے وہ یہ کہتا پھرے کہ اللہ کا شکر ہے جی یہ ہے, اللہ کا شکر ہے یہ ہے, اور زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہو, یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ جو نوکر جو غلام اپنے مالک کی مہربانیوں سے خوش ہوتا ہے, آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے مالک کی بات کو پورا کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہوتا ہے. ایک ٹیکسی والے کے ساتھ کچھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں, کہاں سے رہتے,
आपका ताल्लुक है। बात करते करते मैंने पूछा कि गाड़ी आपकी अपनी है? तो दो चार सवालों के बाद जब मैंने ये सवाल किया तो मुझसे कहने लगे कि जी आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में पहला बंदा देखा है जो इंसानों की तरह गाड़ी चला रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो कहने लगा कि जी नहीं, गाड़ी तो मेरी अपनी नहीं है। तो मेरी हैरत और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने कहा कि फिर गाड़ी अपनी नहीं है तो इतनी एहतियात से क्यों चला रहे हो? तो कहने लगा कि जी मेरे मालिक ने जिसने मुझे गाड़ी लेके दी है उसने लाखों रुपए की गाड़ी लेके मेरे हवाले की है। और से सुनिएगा, लाखों रुपए की गाड़ी लेके उसने मेरे हवाले की है। अब इस गाड़ी के ज़रिए से मैं अपने बच्चों की रोज़ी भी कर रहा हूँ, उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो जिस बंदे ने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है कि मेरे बच्चों के लिए रोज़ी का उसने मुझे सामान बना के दिया है, तो क्या मेरा हक इतना भी नहीं बनता कि मैं उसकी इस चीज़ की हिफाजत करूँ? उसने मुझे जवाब दिया तो मैं बहुत देर तक बैठ कर सोचता रहा। मैंने कहा क्यों नहीं, आपका हक तो बनता है, आप बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी में उन नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हम अपने मालिक की दी हुई उन चीज़ों को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर करके उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इन आँखों से हमने ज़िंदगी में कितना फ़ायदा उठाया है, लेकिन अल्लाह ने हमें कहा था कि मैं तुम्हें ये नेमतें दे रहा हूँ, ये आंखें तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इनको जो है वो बेहयाई की और बुराई की जगहों पे इस्तेमाल ना करना। और हमें उस वक्त तक सुकून नहीं आता जब तक कि हम गंदगी के मनाज़र देखना नहीं, फिल्में देखे बगैर, ड्रामे देखे बगैर, गंदे जो है वो सीन देखे बगैर और थरकते हुए जिस्मों को देखे बगैर हमारी आंखों को सुकून नहीं मिलता है। हम अपने मालिक के वफादार हुए, शुक्रगुजार हुए या ना शुक्रे हुए? हम ना कदरे हुए ना, ना कदरे कोई ना शुक्रा कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا। यहाँ लफ्ज क्या आया शुक्र का, सब सुन रहे हैं ना भाई? कुरान मजीद फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी कोशिश मेहनत वो जो है वो काबिल शुक्र है, जबकि अल्लाह तो बंदों का शुक्र नहीं करता। बल्कि मतलब इसका क्या है, इनकी कोशिश मेहनत काबिल कदर है। तो जो कदरदान होता है वही शुक्रगुजार होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आंखें दी, हमने नकदरी की। अल्लाह ने हमें कान दिए, हमने नकदरी की। अल्लाह ने हमें जुबान दी, हमने नकदरी की। अल्लाह ने हमें हाथ पांव दिए, हमने नकदरी की। अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है हम उसको उसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लगाने में जो है वो ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, ये शुक्रगुजारी तो ना होगी। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि आप किसी जो है वो सखी बंदे के पास गए और आपने जाके कहा कि जी मैं भूखा हूँ और मेरे जो है वो हाल बड़ा ख़राब है, आप मेरे ऊपर खुदा दर्शी करें और मुझे जो है वो कुछ दे दें। और उसने जो है वो आपके ऊपर मेहरबानी की कि आपको जो है वो खाने पीने के लिए कुछ पैसे दे दिए, आपने वो पैसे लिए और उसको जो है वो उन पैसों को उस मालिक के सामने ही कि जिसने जो है वो ये आपके ऊपर मेहरबानी की थी उसके सामने ही आपने जो है वो उसको गंदी नाली में फेंक दिया। तो वो मालिक कितना नाराज होगा और वो कहेगा तुम कितने नकदरे आदमी हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमतें दी हैं और अल्लाह ने साथ हमें हुक्म भी दिया है कि देखो मैं तुम्हें माल दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये माल दे रहा हूँ, इससे गुनाह ना कमाना। और हम हमारे पास पैसे आते हैं तो माशाल्लाह हम जाके टीवी खरीद के ले आते हैं,
हमारे पास पैसे आते हैं तो हम अपने बच्चों की शादी पे दूसरे लेके आ जाते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं तो हम जो है वो जुआ खेल लेते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं तो कोई ना कोई गुनाह का रास्ता हम खोल लेते हैं और फिर खूब मजे उड़ाते हैं। तो वो देने वाला देख नहीं रहा कि मैंने इसको नेमत दी थी, इसने उसकी क्या कदर की है। ये तो फिर पैसा बड़ी नेमत है, ये तो कपड़ा बड़ी नेमत है, ये सेहत ये जिस्म बड़ी नेमत है, ये गाड़ी और ये सवारी बड़ी नेमत है, ये घर बड़ी नेमत है जिसमें हम गुनाह कर रहे हैं और उसकी नाकदरी कर रहे हैं। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिरा हुआ था, आपने इरशाद फरमाया इसको उठाओ और इसको झाड़ के इसको जो है वो किसी महफूज जगह पर रखो या इसको खा लो। और आपने इरशाद फरमाया जिस जगह पर रिज़्क की नाकदरी होती है अल्लाह उस जगह से रिज़्क को वापस ले लेता है। हम अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं। हम अपनी मोटरसाइकिल किसी को पकड़ाते हैं तो हम कहते हैं जरा एहतियात से आराम से चलाना, और अगर वो गलत इस्तेमाल करता है तो हम अगली दफा उसको मोटरसाइकिल देने से इनकार कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इतना कीमती जिस्म दिया है, आंखें दी हैं, जुबान दी है, दिल दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने ये सारे जो आज़ा हमें दिए हैं ये गुनाहों के लिए दिए हैं, और हम गुनाहों में इतने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए कि हमें ये भी होश न रहा कि ये हमारा है ये अल्लाह का दिया हुआ है। चुनाचे गंदे लोगों ने कुछ जो है वो उभार के कुछ गंदे किस्म के लोगों को सामने कर दिया और लोगों की ज़हनियत को ख़राब करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, तुम्हारा जिस्म कहाँ से आ गया। अच्छा वैसे ये शोर तो करने वाले चंद लोग थे ना, लेकिन हकीकत यह है अगर हम अमली तौर पर देखें तो तकरीबन सारा मुआशरा यही कुछ सदाएं लगा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मैं इस जिस्म को मस्जिद में ले जाऊं या ना ले जाऊं मेरी मर्जी है, मैं इन आंखों से कुरान देखूं या ना देखूं मेरी मर्जी है, मैं इन आंखों से जो है वो कुरान की जियारत करूं या मैं इन आंखों से फिल्मों को देखूं मेरी मर्जी है, मैं इस जुबान से झूठ बोलूं या मैं इस जुबान से सच बोलूं मेरी मर्जी है, मैं अपने पैसों को हलाल की जगह पे लगाऊं या मैं हराम कामों में लगाऊं मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है मैंने कमाया है। हम कहते हैं मेरा कमाया हुआ है, और जब ग्राहक नहीं आते कहते जी बैठे हुए हैं सारा कुछ किया हुआ है क्या कर सकते हैं, उस वक्त तो बड़ा यकीन आ जाता है कि अल्लाह ही भेजते हैं, और अगर आ जाए तो फिर कहते मेरा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون हमारे दिए हुए रिज़्क में से जो खर्च करते हैं। पहले कहा कि इस किताब में शक न करना, फिर कहा कि हमारे दिए हुए में से रिज़्क में से वो खर्च करते हैं, क्या माना अल्लाह फरमा रहे ये हम नहीं दिए इसमें शक न करना, ये तुम्हारा कमाई नहीं है ये हमारी दी हुई है। तुम्हारी कमाई कैसे हो गई, तुम्हारी कमाई कैसे हो गई, जिन टांगों से चल के तुम कारोबार के लिए गए थे वो टांगे किसने दी हैं तुम्हें, जिन आंखों से रास्ता देख के तुम गए थे वो आंखें किसने दी हैं, जिस अकल को लड़ा के तुमने जिस अकल को इस्तेमाल करके तुमने कारोबार किया था वो अकल किसने दी है, वो जुबान जिससे तुमने बोल के सामान बेचा है वो जुबान किसने दी है, ये सारा कुछ उसी का दिया। अगर वो सब कुछ है लेकिन उसमें से ताकत निकाल ले सेहत निकाल ले आप तो फिर घर में चारपाई पे पड़े रहेंगे, फिर कारोबार करने तो नहीं आएंगे।
तो मेरे अजीज़ो, सारी खराबी के जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। घर के मसाइल जो बने हुए हैं, कारोबार के जो मसाइल बने हुए हैं, सेहत के जो मसाइल बने हुए हैं, हमारे मुआशरे के जो मसाइल बने हुए हैं, हमारे मुल्क के जो मसाइल बने हुए हैं, हमारे आकाए दो जहान सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक जो है वो बात फरमा दी, दो लफ्जों में ही मामला समेट दिया। इरशाद फरमाया, अमालुकुम उम्मालुकुम, लोगों तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे हुक्मरान हैं। ऐसे ही गलतफहमी में ना पड़ो। हारून रशीद से किसी ने कहा था कि आप जो है अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला नो की तरह जो है वो निज़ामे हुकूमत चलाएं, आप उनकी तरह चलाएं। हारून रशीद ने आगे से कहा, वो बड़ा आलिम भी था, कुरान का हाफिज भी था, नेक आदमी था, और उसने क्या खूबसूरत बात कही। उसने कहा, तुम सारे सहाबा जैसे बन जाओ, मैं उमर जैसा बन जाता हूँ। हम अगर नेक बन जाएं, अल्लाह हमें नेक हुक्मरान दे देगा। किसी हाकिम की मजाल नहीं है हमारे ऊपर जुल्म कर सके। हम कोई लवार से थोड़ी है, हमारा अल्लाह है, हमारा मालिक है, और हम मदनी करीम के गुलाम हैं। भला अपने महबूब के गुलामों के ऊपर किसी को अल्लाह जुल्म करने की कैसे इजाजत है? अल्लाह को अपने महबूब का एक एक गुलाम प्यारा है। क्यों भी प्यारा है? नहीं प्यारा। अल्लाह को अपने महबूब का एक एक गुलाम प्यारा है, और अल्लाह के महबूब का गुलाम सही मानों में गुलाम हो तो अल्लाह फरमाते हैं कोई उसको तकलीफ दे, कोई उसको ईजा पहुंचाए, अल्लाह फरमाते हैं उस बंदे के साथ मेरा ऐलान जंग है। मेरे महबूब के गुलाम को कोई छेड़ के जाएगा कहाँ? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वालों तक मैं काफिरों को पहुंचने नहीं दूंगा। आयत मुबारक का मफहूम ये बनता है, अल्लाह फरमाते हैं कि ये काफिर लोग मुझसे होके ही ईमान वालों तक जाएंगे। जैसे हम लोग किसी को धमकी देते हुए कहते हैं ना कि मियाँ तुम मेरी लाश से गुजर के उधर जाओगे, मेरे जीते जी तुम जो है ये काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ईमान वालों को देखो कैसी तसल्ली दे रहे हैं। इरशाद फरमाया, ईमान वालों के पास किसी को तकलीफ पहुंचने के लिए उसी वक्त जाना होगा, पहले वो अल्लाह से निमटेगा, बाद में वो ईमान वालों से निमटेगा। तो मेरे दोस्तों, हमें जो बर्बाद किया है हुकूमतों ने नहीं किया है, हमें जो है वो बर्बाद किया है महंगाइयों ने नहीं किया है, बबाओं ने नहीं किया है, सैलाबों ने नहीं किया है, हमें हमारे आमाल ने बर्बाद किया है। हमारे आमाल ही वबाएं आने का सबब बनते हैं, हमारे आमाल ही जलजले आने का सबब बनते हैं, हमारे आमाल ही ये बीमारियां आने का सबब बनती हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा था, अम्मा जान ये जलजले क्यों आते हैं? फरमाया, जब जिना खुले आम होने लगता है तो अल्लाह ताला को गैरत आती है, अल्लाह ज़मीन को झटके दे देता है। और एक हदीस मुबारक में है कि अगर लोग नेकी की तरफ आ जाएं, लोग जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाएं, अल्लाह फरमाते हैं मैं लोगों के सोते हुए में, और से सुनिए, मैं लोगों के सोते हुए में बादल भेजूं, बारिश बरसाऊं, और उनके उठने से पहले सुबह तक उनके रास्ते साफ हो जाएं, और मैं बादलों के गरजने की आवाज़ तक भी उनको ना पहुँचने दूँ। क्यों? इसलिए कि बादल जो गरजेंगे तो रात दिन के मेहनत करके रात सोए हुए होंगे तो उनकी नींद खराब हो जाएगी, तो मैं इतनी भी तकलीफ उनको नहीं देना चाहता। लकद कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया, लकद कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया, जन्नतान अन यमीन व शिमाल, कुलू मिन रिज़्क़ रब्बिकुम वश्कुरू लह।
अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए सबक हासिल करने के लिए निशानी है। अल्लाह किस चीज़ में निशानी है? फरमाया कौम सबा की बस्ती में तुम्हारे लिए निशानी है। अल्लाह उसको क्या हुआ? फरमाया वहाँ उसकी बस्ती में दोनों तरफ बागात की एक लंबी लाइन थी। हमारा उनसे बस इतना ही मुतालबा था, हम ये कहते थे खाओ अपने रब का दिया हुआ रिजक और उसका शुक्र अदा करो, अल्लाह तुमसे और कुछ नहीं चाहता है। बल्दतुन तैयबा, पाकीज़ा और बेहतरीन माहौल का शहर अल्लाह ने उनको अता फरमाया हुआ था। बल्दतुन तैयबा व रब्बुन गफूर, पाकीज़ा रहने के लिए शहर और बख्शिशें करने वाला उनका रब, यानी शुक्र गुजारी और फर्माबरदारी करते हुए छोटी मोटी कोई कमी बेशी हो गई तो तुम्हारा रब बख्शने वाला है, माफ़ कर देगा और तुम्हें रिज्क बेहिसाब अता करेगा। लेकिन अल्लाह आगे क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं हमारा मुतालबा तो सिर्फ इतना था कि खाओ पियो और शुक्र करो, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? मुंह मोड़ लिया, अपने रब की बगावत और सरकशी और नाफरमानी पर उतर आए। अल्लाह फरमाते हैं फबदलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन, वो जो दो बाग हमने उनको दिए थे जिनसे हमने कहा था मज़े उड़ाओ खाओ पियो, फिर हमने उन दो और बागों से उनको बदल दिया। और हमने जो बड़े बड़े उनके डैम बने हुए थे ना, उन बंदों को हमने तोड़ दिया। सैलाब जो हुआ तो सारा कुछ उसने गारत कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं सिवाय चंद खारदार जो है वो कांटे वाली बेजायका बेरियों के सिवा कुछ नहीं बचा था। अब कहते हैं लाखों एकड़ जो है वो फसलें तबाह हो गई, फलानी झील टूट गई, फलाना डैम टूट गया और फलाना फलाना ये हो गया। भाई ये हुआ क्यों है? सिर्फ उनके गुनाह हैं जो वहां हैं? ना ना, उसका मजा हमें भी पहुंचेगा। जब चीजें महंगी हो रही हैं, जब कारोबार में तबाही आ रही है, तो बचेंगे तो हम भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रो, ये जो ऐसे हालात हैं ना, हमें ये उनकी नाशुक्री की वजह से है। और आगे फरमाया हल न जाज़ी इल्लल कफूर, ऐसे नाशुक्रों को और इसके सिवा बदला होता भी क्या है? जैसे बाप अपने बेटे को उसके करतूतों की वजह से जो है वो जूते लगा के कहता है तेरे जैसों का यही इनाम होता है, तो जो लोग अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए हालात को संवारना जानते हैं। गर्मी के मौसम में एक आदमी जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ के एसी चला लेता है तो आप देखते नहीं हैं सारे लोग पसीने में हैं और ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ उसी माहौल में उसी मुआशरे में सिर्फ गाड़ी के अंदर जो है वो, तो अल्लाह ने उसको एक ऐसी नेमत दी है उसमें बैठा हुआ है और उसको ठंडी हवा लग रही है, गर्मी का एहसास तक नहीं उसको हो रहा। तो जैसे अल्लाह उसको ये गाड़ी वाली नेमत देके बाकी लोगों से अलग करके अल्लाह उसको ठंडक पहुंचा देते हैं, अगर इसी गुनाहों वाले मुआशरे में कोई एक बंदा गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह उसके घर को उसके लिए एयर कंडीशन गाड़ी की तरह बना देगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को पुरसकून बना देगा। सारे लोग तड़प रहे होंगे और ये पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा होगा। अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है मेरे प्यारे। तो हमें अपने आमाल को संवारने की ज़रूरत है। बोलते हम झूठ हैं, समझते अपने आप को सच्चा हैं, देखते हम बेहयाई हैं और अपने आप को समझते हैं। हमारी तरफ से जवाब ये होता है और जी बंदे की आँख जो है वो बंदे का दिल साफ होना चाहिए, देखने से क्या होता है?
दिल साफ होना चाहिए। देखने से क्या होता है भाई, देखने से ही तो दिल गंदा हो जाता है। इसलिए कि किसी कमरे की खिड़कियां दरवाजे आप खोल दें और आप कहें कि कमरा साफ होना चाहिए, बाहर की धूल से क्या होता है? तो भाई बाहर जो आंधी चल रही है तो वो सारी गर्द गुबार खिड़कियां खुलने की वजह से आपके कमरे को साफ नहीं रहने देंगी, वो गंदा कर देंगी। आपको यूं लगेगा जैसे अंधेरी सारी चल ही कमरे के अंदर रही थी, बिल्कुल ऐसे ही आप इन खिड़कियों को खोल दें और बाहर गुनाहों की आंधी चल रही है, वो बाहर की गंदगी सारी अंदर दिल में चली जाएगी। जिसकी आंख काबू में ना हो उसका दिल कभी पाक नहीं रहा करता, जिसकी जुबान से गंद निकले उसका दिल कभी पाक नहीं रहा करता। जुबान से मां बहन की गालियां देता है और दिल पाकीजा रहेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? झूठ बोले दिल पाक रहे, जुबान पे झूठ और दिल में ईमान। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा नहीं होता, या ये झूठ रहेगा या ईमान रहेगा। अगर ईमान है तो झूठ नहीं होगा और अगर झूठ है तो फिर ईमान नहीं होगा। तो मेरे अजीजों, हम अपनी बदअमलियों के साथ अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल करना चाहते हैं। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, ये पागलों वाली सोच, ऐसे ही होता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी दुनिया संवार लें, हम अपनी आखिरत संवार लें। और याद रखना, अपनी आखिरत को संवारने के लिए आखिरत में जाना नहीं पड़ता, बल्कि आखिरत को संवारने के लिए इसी दुनिया में रहते हुए आखिरत संवर जाती है। और दुनिया को संवारने के लिए इंसान को दुनिया की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि आखिरत के संवारने की मेहनत दुनिया को भी संवार देती है। एक अजीब बात है। एक वाक्य सुना के मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि आखिरत के संवारने से दुनिया कैसे संवर जाती है। ज़रा ये याद रखने वाला और दिल पे नक्श करने वाला वाक्य है, आप इसको गौर से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बड़े नफ़े का सा जो है वो जरिया बना देगा इंशाल्लाह। एक बाप जो है वो अपने बेटे को नसीहत करना चाहता था, बात समझाना चाहता था, और उसने समझाने का तरीका बड़ा खूबसूरत इख्तियार किया। उसने एक चाट लिया, उसको कई टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद उसने अपने बेटे को पकड़ा दिया और उसको कहा कि बेटा, इस चाट के ऊपर दुनिया पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ है, तो आप ऐसा करो कि इसको जो है वो सही सही जोड़ के लाओ कि जो मुल्क जहां आना चाहिए वो टुकड़ा वहां लगाओ ताकि सही सही नक्शा बने। अगर तुम ऐसा करके लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो उसने कहा कि अबू जी, मैं अभी करता हूं, इसको कोशिश करता हूं। उसने जो है वो उन टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया, दो चार टुकड़े जोड़े उसने, बस उसके बाद तो फिर धड़ाधड़ वो जोड़ता ही चला गया। बाप का ख्याल था कि कई घंटे लगेंगे इसको, या हो सकता है ये कर ही ना सके, लेकिन वो बच्चा थोड़ी देर में ही वो उसको जोड़ के लाया, बाप को ला के पकड़ाया। बाप ने हैरत से कहा, जोड़ लिया तुमने? उसने कहा जी। अब जब बाप ने खोल के देखा ना, तो वो दुनिया का नक्शा जो है वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही सालिम, जिस शहर को जिस मुल्क को जहां आना था वो टुकड़ा उसने सही जोड़ा हुआ था। तो बाप ने कहा कि बेटा, तुमने ये इतना मुश्किल काम इतनी जल्दी में कैसे कर लिया? उसने कहा, अबू जी, मैंने दो चार टुकड़े जोड़े, मुझे महसूस हुआ कि इसके एक तरफ दुनिया की तस्वीर है और दूसरी तरफ किसी इंसान की तस्वीर है, तो मैंने इंसान की तस्वीर को जोड़ना शुरू कर दिया। सर लगाया, बाजू लगाए, उसका सीना लगाया, टांगे लगाई, मैंने ये टुकड़े यूँ जोड़ना शुरू किए, मैं इंसान को यूँ जोड़ता चला गया। जब मैंने उसको उलट के देखा तो वो पूरा नक्शा सही बन गया था। तो बाप मुस्कुराया और उसने कहा, बेटा, मैं तुझे यही बात समझाना चाहता था कि अगर इंसान सही हो जाए पूरी दुनिया का नक्शा सही हो जाएगा।
अगर हम सही हो जाए, हमारी दुनिया का नक्शा भी सही हो जाएगा और हमारी आखरत का नक्शा भी सही हो जाएगा। हमारे संवरने और सुधरने की सूरत क्या है, हम कैसे सुधरें, हम कैसे संवरें? याद रखना, हमारा सुधरना और संवरना दीन के बगैर नामुमकिन है। अल्लाह ने कसम खाई है, वल्लासुर والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। कसम है जमाने की, अल्लाह कसम है जमाने की, क्या कहना चाहते हैं आप? फरमाया, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे इंसान बर्बाद होने वाले हैं, कोई भी नहीं बचेगा। अल्लाह, कोई तो बचेगा? फरमाया, हाँ बचेगा, सिर्फ वही जो ईमान लाया और उसने ईमान के तकाजों पर अमल किया, बस वही बचेगा और कोई नहीं बचेगा। जमाने की कसम हमने खाई है इसलिए कि पूरी तारीख इंसानियत को आप उठा के देख लो, कोई कौम नहीं बची सिवाय ईमान और नेक अमाल के। जिन्होंने ये अमाल किए, नेकी की ईमान लाए, वो बच गए, और जिन्होंने ये नहीं किया, अल्लाह ने उनको तहस नहस कर दिया। तो मेरे दोस्तों, हम भी अगर इस कुरान पे यकीन कर लें, अपने नबी के फरमान पे यकीन कर लें और अपने आप को बदलने और संवारने की मेहनत और कोशिश शुरू कर दें, हम अपने आप को जैसे बच्चे ने उस जो है वो तस्वीर को ठीक करना शुरू किया था, दुनिया का नक्शा सीधा होता जा रहा था, हम इस तस्वीर को सीधा करना शुरू करेंगे, हमारी ज़िंदगी का नक्शा वो सीधा होना शुरू हो जाएगा, ताकि हम अपने आप को ठीक करके जब कब्र में पहुंचेंगे, हमें पता चलेगा तो हमारी तो कब्र भी जन्नत बन चुकी है। तो हमारे बुजुर्गों ने अपने आप को संवारने के लिए इंसान को एक रास्ता दिया, एक लाहे अमल दिया है, एक तरीकाकार दिया है। और मैं इस तरह से अपने ऊपर मेहनत शुरू करो, देखना तुम कैसे सुधरते हो। और उस रास्ते को इख्तियार करके, एक दो नहीं, दस बीस नहीं, सौ पचास नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसानों की जिंदगियां बदली हैं। हम किसी और मट्टी के बने हुए नहीं हैं कि वो दीन हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। यकीनन हम भी इसी मट्टी की पैदावार हैं। वो दीन जो उन लोगों को बदल सकता है, वो मुझे और आपको भी बदल सकता है। तो सारे दोस्त अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए तैयार हैं भाई? इंशाल्लाह, मैं भी तैयार हूँ इंशाल्लाह। हम अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए तैयार हैं, तो जो अपने आप को संवारना चाहे, अपने आप को सुधारना चाहे, उसको सबसे पहला काम ये करना होता है कि वो तौबा कर ले, वो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से आहद कर ले, अल्लाह मैं आज के बाद तुझे नाराज़ नहीं करूँगा, तेरे हुक्मों को मैं मानूँगा, और मुझे ज़िंदगी में जहाँ कहीं कोई गुनाह नज़र आएगा, अल्लाह मैं उस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश और मेहनत ज़रूर करूँगा। बंदा नमाजी बन जाए, बंदा नमाजी बन जाए, बंदा हाजी बन जाए, बंदा जो है वो सूफी बन जाए, बंदा तबलीगी बन जाए, बंदा जो कुछ मर्जी बन जाए, दीन का जो मर्जी शोभा शुरू कर दे, अपने आप को संवारने की मेहनत हर एक के लिए लाजमी है। कोई सूफी साहब बनकर अपने आप को नहीं संवारेगा, वो सूफी होने के बावजूद बर्बाद हो जाएगा। जो तबलीगी बनकर अपने आप को नहीं संवारेगा, वो तबलीगी होने के बावजूद बर्बाद हो जाएगा। जो हाजी बन के अपने आप को नहीं संवारेगा, वो हाजी साहब होने के बावजूद बर्बाद हो जाएगा। आपने उलमा से हदीस सुनी होगी, कयामत के दिन सबसे पहले तीन लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा, और उनमें से सबसे पहला बंदा वो होगा जिसने दीन सीखा होगा, इलम पढ़ा होगा और लोगों को दीन सिखाया होगा, लेकिन अपनी बुराइयों को और अपनी गंदगियों को उसने दूर नहीं किया होगा, उसको जो है वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अपने आप को एक है कि ये पढ़ लेना कि झूठ बोलना गुनाह है, इसको कहते हैं इलम। एक है दूसरों को कहना कि मियां झूठ बोलने से ये होता है, इसको कहते हैं तबलीग।
और एक होता है अपने अंदर झांक कर उस झूठ को अपने अंदर से निकाल देना, इसको कहते हैं सुधरना। ये मेहनत हम में से हर एक को करनी पड़ेगी, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें। याद रखें, जब इंसान ठीक हो जाता है तो फिर वो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों के ठीक होने का जरिया बन जाता है। फूल भले गंदगी के ढेर पर ही गुलाब का फूल उग आए, अरे फूल में तो महक ही आएगी, भले उसके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बदबूदार ही है, लेकिन फूल के पास आप जाएंगे वो उस गंदगी का असर कभी भी कबूल नहीं करता। अपनी खुशबू है, जहाँ तक फैला सकेगा वो फैलाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान सुधर जाए, जितने भी गंदे मुआशरे में उसको ले जाओ, उसकी फूल की महक है जो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगी, जहाँ जहाँ पहुँचेगी सारे इलाके को महका देगी। दो सहाबा इंडोनेशिया में, मलेशिया में गालिबन, वहाँ उस इलाके में गए थे, उन्होंने जुबान से तबलीग कोई नहीं की थी, वाज़ो नसीहत कोई नहीं की थी, तकरीरें कोई नहीं की थी, अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजार रहे थे। उनकी जिंदगी को देख देख के लाखों लोगों ने कलमा पढ़ लिया था। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तबलीग छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वाज़ो नसीहत छोड़ दें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तकरीर करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर न करने से अमल अच्छा है तब भी फ़ायदा हो रहा है, और अगर अमल अच्छे के साथ तबलीग भी करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा दो गुना नहीं, कई गुना हो जाएगा। तो इसलिए आज हम सब मिल के अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं और अपने आप को संवारने और सुधारने की दिल में नियत करते हैं, इरादा करते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर झांकूंगा, देखूंगा कि मेरे अंदर से कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी मेरे अंदर गंदगी हैं जिनको मैंने अपने अंदर से निकालना है। फिर मैं जो है उन बुराइयों को निकालने के तरीके सीखूंगा कि मैं कैसे मेहनत करूँ तो ये मेरे अंदर से ये बुराई जो है वो निकल जाएगी। ये रास्ता जो लोग बताते और समझाते हैं कि अपने अंदर से कैसे ये जो है वो बुराइयां निकालनी है, उनको कहते हैं रूहानी मुआलजे। उनको क्या कहते हैं? रूहानी मुआलजे। और आजकल क्या करते हैं? जिन निकालते हैं लोगों के और अपने जिन निकलते नहीं, और नाम लिखा हुआ होता है रूहानी मुआलजे। माशाल्लाह, ये रूहानी मुआलजे नहीं होते, ये लुटेरे होते हैं। तो इसलिए रूहानी मुआलिज को हमारे माशरे में अल्लाह वाला कहते हैं। औलिया अल्लाह जो होते हैं ये रूहानी मुआलिज होते हैं। अल्लाह ने इनकी तकरीर को लोगों के लिए शिफा रखा होता है, अल्लाह ने उनकी नज़र को लोगों के लिए शिफा रखा होता है, अल्लाह ने उनकी संगत और सोहबत को लोगों के लिए शिफा रखा होता है। एक बुज़ुर्ग जो है वो जा रहे थे गली में और एक बंदा माल्टे भेज रहा था, आवाज़ सुनी तो उनके ऊपर हाल तारी हो गया। किसी ने पूछा, हजरत क्या हो गया आपके ऊपर, ये कैफियत हाल क्यों तारी हो गया? फरमाया, वो देखो वो आवाज़ें क्या लगा रहा है। हजरत वो माल्टे बेच रहा है, संतरे बेच रहा है, वो कह रहा है ले लो चंगे संतरे। तो हजरत ने फरमाया, ये देखो ना ये क्या कह रहा है, हजरत वो माल्टे बेच रहा है। मैं नहीं, माल्टे नहीं बेच रहा, वो कह रहा है चंगे संग तर गए, चंगे संग तर गए, चंगे संग तरे। जो लोग अच्छे लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ बना लेते हैं तो वो भी कभी ना कभी अच्छे बन ही जाते हैं। अल्लाह करे अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की बरकत से हमारे लिए भी अच्छाई का और नेकी का रास्ता आसान फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारे दोस्त तौबा भी फरमा लें, और जो हजरात बाकायदा अल्लाह के औलिया के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ने के लिए और उनके जो है वो बताए हुए तरीके जिनसे अपने आप को सुधारा और संवारा जाते हैं, उनसे अपने आप को मुजयन करने के लिए जो है वो इस अमल में शरीक होना चाहें तो वो तौबा की भी नियत फरमा लें और अल्लाह वालों की जमात में शामिल होने की भी नियत फरमा लें। ये फ़कीर चंद एक औरादो वज़ाइफ बुज़ुर्गों के बताए हुए आपके सामने पेश कर देगा। आप पाबंदी से करते रहेंगे, आप देखेंगे आज और आज कल परसों दिनों में आप अपने आप को सुधरता और संवरता हुआ महसूस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए अपनी रज़ा वाला और अपनी खुशनुदी वाला रास्ता आसान फरमाए। खुतबा सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद। ये कलिमात सब दोस्त सच्चे दिल से
तौबा की नीयत से अपने अल्लाह के साथ सुलह की नीयत से इन कलिमात को साथ साथ पढ़ते जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। इन कलिमात को जिसने भी तौबा के लिए से पढ़ा है वो अल्लाह की बारगाह में तौबा तार हो चुका है, और जिन्होंने अल्लाह वालों के साथ अपनी संगत जोड़ने की नीयत से भी इनको पढ़ा है वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में पैद हो चुके हैं। चंद एक औरादो वज़ाइफ हैं, बाज़ औरादो वज़ाइफ वो हैं जो तमाम सलासिल के बुज़ुर्गों के हम मुत्तफिक हैं, वो एक ही वजीफ़ा बताते हैं। चंद वजीफ़े ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के हाँ बदल जाते हैं। सिलसिला चिश्तिया के जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़े और बताते हैं, सिलसिला कादरिया के बुज़ुर्ग थोड़ा और बताते हैं, और सिलसिला नक्शबंदिया के जो बुज़ुर्ग हैं वो दो चार अमल वो कुछ और बताते हैं। लेकिन सब बुज़ुर्गों के इन आमाल का मकसूद एक ही है कि सब आमाल जो बताते हैं तो मकसद ये होता है कि बंदे की ज़िंदगी गुनाहों से पाक हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए, तो यकीनी दर्जे में इंसान को फ़ायदा हासिल होता है। इन आमाल को सुन लीजिए, पाबंदी के साथ करने की कोशिश कीजिए, आपको अपनी ज़िंदगी सुधरती और संवरती अल्लाह ताला आँखों से दिखा देंगे। जैसे आपकी ज़िंदगी संवरेगी उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके हालात को संवारते चले जाएंगे। पहला अमल है इस्तिगफार। ये इस्तिगफार वाला अमल जो है तमाम बुज़ुर्गों में तमाम सिलसिलों में कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं जो ये वजीफ़ा ना बताता हो। हमारे जमात के जो अहबाब हैं उनको भी सारे अकाबिर बुज़ुर्ग ये अमल बताते हैं कि सुबह शाम तस्बीह इस्तिगफार की पाबंदी के साथ की जाए। ये इस्तिगफार के बग़ैर कोई चारा नहीं है किसी का। कोई वली ऐसा नहीं गुज़रा, कोई सहाबी ऐसा नहीं गुज़रा, हत्ता के कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसने अल्लाह से इस्तिगफार न किया हो। तो इसलिए ये इस्तिगफार जो है हम सब के लिए लाजिम है। सुबह शाम पाबंदी से एक तस्बीह इस्तिगफार की सुबह एक तस्बीह शाम करते रहें। अच्छा, जो बंदा ये इस्तिगफार की तस्बीह करता रहेगा भले वो कितना ही गुनाहगार क्यों नहीं है, जब तक वो इस्तिगफार करता रहेगा अल्लाह की पकड़ से बचा रहेगा, अल्लाह की पकड़ से बचा रहेगा। तो इस्तिगफार की एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्मिन मातूबु इलैह। दूसरा अमल है दुरूद शरीफ, 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कोई बुज़ुर्ग ऐसे नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की तालीम ना देते हों, सब अल्लाह वाले यही बात बताते हैं। इसलिए कि जितने भी आमाल अल्लाह की रहमतों को मुतवज्जे करने वाले हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा मुअस्सर अमल है। किसी कहने वाले ने कहा, मैं दुरूद उन पर पढ़ता हूँ वो रहमतें मुझ पर भेजते हैं। तो बंदा दुरूद पढ़ता है नबी इस्लाम पर और अल्लाह की रहमतें उस बंदे के ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। तो इसलिए दुरूद शरीफ की एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम एहतमाम से पढ़े। और अगला अमल है जो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग बताते हैं कि कुरान शरीफ़ की तिलावत रोज़ाना। बाद बुज़ुर्ग तीसरे कलमे का बताते हैं,
तो हमारे हजरात तीसरा कलमा भी बताते हैं लेकिन साथ में कुरान शरीफ की तिलावत भी बताते हैं, इसलिए कि वो फरमाते हैं जितने भी अज़कार हैं तमाम ज़िक्रों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला ज़िक्र कुरान की तिलावत है। तो इसलिए अगर कोई कुरान शरीफ की तिलावत के साथ तीसरा कलमा भी पढ़ना चाहे तो उसके लिए और भी ज़्यादा नफ़े की चीज़ है। बहरहाल कुरान मजीद किसी मुसलमान की ज़िंदगी कुरान से खाली नहीं होनी चाहिए। और चौथा अमल है जो सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग बताते हैं, वो फरमाते हैं कि सारा कुछ अपने दिल से निकालो, अल्लाह को अपने दिल में बसाओ, अल्लाह को अपने दिल में बसाओ। उसका तरीका, मश्क का तरीका ये है, जब बंदा मश्क करता है फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की याद उसके दिल में घर कर जाती है। तरीका क्या है कि आंखें बंद करके सर झुका के दिल की तरफ ध्यान करके ये सोचे कि मेरे बुज़ुर्गों के दिल में जो अल्लाह के ज़िक्र की नूरानियत है, जो नूर है, उनसे ताल्लुक़ जोड़ने की बरकत से वो नूर मेरे दिल में भी आना शुरू हुआ और अब मेरा दिल बोल रहा है अल्लाह 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 और मैं सुन रहा हूँ। दिल की अल्लाह अल्लाह सुनने लग जाए, ये सुबह शाम मश्क करते करते ये दिल सचमुच में अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है और बंदा खुद गवाही देता है कि अब मेरा दिल वाकई अल्लाह का जिक्र करने लग गया है। और चलते फिरते उठते बैठते सोचों में ख़्यालों में अल्लाह को याद करना, ये पांचवा अमल है। और छठा अमल जो हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं नेकों की सोहबत इख्तियार करना, सालिहीन की सोहबत इख्तियार करना, जिसका आप जो है वो करिश्मा देखते हैं, एक बेनमाजी आदमी, एक चोर आदमी, एक जानी शराबी आदमी जमात वालों के साथ चल पड़ता है और दो चार दिनों के बाद बग़ैर कहने के वो नमाजी बना हुआ होता है। कितने लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, भाई जमात वालों ने उसको घोल के क्या पिलाया है, कुछ नहीं, ये नेकों की नेकी की जो है सोहबत का असर है। तो लिहाजा जो आदमी एक आम हमारे जैसे जमात में लोग गए हुए होते हैं वहाँ वो नेकी कर रहे होते हैं, उसका असर उन जाने वालों के ऊपर हो जाता है। तो क्या ख्याल है अगर कोई आदमी किसी अल्लाह के वली के पास जाके रहे तो उसके ऊपर उस अल्लाह के वली की सोहबत का क्या असर होगा, कितने अनवारात उसको नसीब होंगे। ये चंद आमाल हैं, इससे बंदा सुधरता और संवरता चला जाता है। अल्लाह ताला इनको जो है वो हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर हमें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए दिल से अल्लाह को याद करने की मशक कर ले, फिर इंशाल्लाह दुआ होती है। तमाम दोस्त अपनी आंखों को बंद करके सर झुका के सब कुछ दिल से निकाल के अल्लाह को अपने दिल में बसा के ये नियत फरमाएं कि अल्लाह ताला की रहमतें इस दिल पर बारिश की तरह बरस रही हैं, जुल्मतें स्याहियाँ दूर हो रही हैं और मेरे दिल की धड़कनों से आवाज़ आ रही है अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, ये जिंदगी एक मोहलत है अपने रोटे हुए रब को मना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अब सब दर्दों को छोड़ो अल्लाह को विरद बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह से लौ लगा लो।
गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे है सबंदा बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। मेरी हर एक लफ्ज़िश मिटा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो आदमी अल्लाह से अपने सुधरने की संवरने की दुआ करे, गोया कि उसने अल्लाह ताला से अपनी पूरी ज़िंदगी के एक एक मामले के संवारने की दुआ कर दी, और अपनी कब्र और अपनी हशर और अपनी आखरत के संवारने की उसने दुआ कर दी। जिसकी ये दुआ कबूल हो गई, गोया के उसके दोनों जहान समर जाएंगे। तो इसलिए सारे दोस्त अल्लाह ताला से अपने सुधरने की संवरने की दुआ करें कि ए अल्लाह मुझे ऐसा बना जैसे मैं तुझे पसंद आ जाऊं। अल्लाह मुझे ऐसा बना जिस तरह तेरे महबूब खुश होते हैं, जैसे उनकी चाहत और मर्ज़ी मुझे वैसा बनने की तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बियल अलील अलल वहाब, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद वाला आल सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम तेरे आजिज़ मिस्कीन मोहताज फ़कीर गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों पर पर्दापोशी फरमा, ज़िंदगी की तमाम ख़ताएँ लग्जशें माफ़ फरमा। अल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत गंदे हैं, अल्लाह हम बहुत गंदे हैं, अल्लाह हम बहुत गंदे हैं ए करीम आका। मगर हमें ये भी पता है कि तू बंदे के जो है वो गुनाहगार होने की वजह से उससे नफरत नहीं करता, बल्कि तू उसको दावत देता है कि वो तेरी बारगाह में आके तौबा कर ले। तू तो फौरन उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको पाक और साफ कर देता है। अल्लाह हम गुनाहगार तेरे दरवाजे पे इस उम्मीद से आए हैं कि तू हमारे गुनाहों की तमाम गंदगियों को आज साफ़ कर दे, आज तू हमें माफ़ कर दे और हमारी अल्लाह हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना दे। ऐ मेरे मालिक, हमने दुनिया में कई मरतबा देखा है बच्चा गंदगी में नजासत में लिथड़ा हुआ होता है, माँ उसको धक्का नहीं देती, नफरत नहीं करती, बल्कि समझती है नादान है, बेटा तो मेरा ही है, उसको उठा के गंदगी साफ़ करके धो के फिर उसको सीने से लगा लेती है। अल्लाह आप माँ से भी लाखों गुना ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं अपने बंदों के साथ। हमारे गुनाहों ने हमें बर्बाद कर दिया है, हम तेरी बारगाह में फरियाद करते हैं, तो आज हमें माफ़ कर दे और हमारी ज़िंदगी को तो संवार दे और हमें अपनी आगोश रहमत में ले ले। अल्लाह आप बस कर दीजिए, अल्लाह हम जहन्नमियों वाले काम
कर करके अल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम का नमूना बना लिया है। मेरे अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हमें जन्नतियों वाले आमाल करने की तौफीक दे और हमारी ज़िंदगी को जन्नती ज़िंदगी का नमूना बना दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को जन्नती ज़िंदगी का नमूना बना दे। अल्लाह जन्नती लोग सच बोलते हैं, अल्लाह हमें भी सच बोलना नसीब फरमा। अल्लाह जन्नतियों की आँखों में हया होती है, अल्लाह हमें भी हया वाली आँखें अता फरमा। अल्लाह जन्नती दूसरों की इज्जत और तकरीम करने वाले होते हैं, अल्लाह हमें भी दूसरों की इज्जत और तकरीम करने वाला बना। मेरे अल्लाह जन्नती धोखा देने वाले नहीं होते, अल्लाह हमें भी दूसरों को धोखा देने से बाज आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आप जानते हैं तेरे जन्नतियों बंदे वाली जो ज़िंदगी है, अल्लाह वो हमें नसीब फरमा दे। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह हम कुर्बान जाएँ तेरे महबूब कमली वाले पर जो अपनी पूरी उम्मत को जन्नती ज़िंदगी दे कर गए हैं। हमने उस ज़िंदगी को छोड़ दिया है, हमने उस ज़िंदगी को छोड़कर जहन्नमी ज़िंदगी को इख्तियार कर लिया है। अल्लाह तेरे महबूब ने जन्नतियों वाली शक्ल अपनी उम्मत को दी है, जन्नतियों वाली सूरत दी है, जन्नत वाली सीरत दी है, जन्नतियों वाले अखलाक दिए हैं। मेरे अल्लाह हमने तेरे नबी की सारी ज़िंदगी को छोड़ दिया है, हम गंदे बन गए हैं। मेरे अल्लाह मेहरबानी फरमा, तू हमें माफ़ कर दे। ये अब तक तो हम तुझे छोड़े रखा और तेरे नबी को हमने छोड़े रखा और कुरान को छोड़े रखा, दीन से मुंह मोड़े रखा। अगर खुदा ना खास्ता तूने ही हमसे मुंह मोड़ लिया, खुदा ना खास्ता तेरे नबी ने ही हमसे मुंह मोड़ लिया, अल्लाह खुदा ना खास्ता कुरान ही हमसे रूठ गया, मेरे मौला फिर हमारा बनेगा क्या? या अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी इस सरकशी को माफ़ कर दे, हमारी इस बगावत को माफ़ कर दे। अल्लाह हमारी इस नादानी को माफ़ कर दे। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, सुबह का भूला शाम जो घर आ जाए उसको लोग भूला नहीं कहते। अल्लाह ये तेरे बंदे ज़िंदगी की शाम होने से पहले पहले तेरे दरवाजे पे आ गए हैं। अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह अभी तौबा का दरवाज़ा बंद होने की कोई निशानी भी तो नहीं आई है। अल्लाह ना गले का घुंघरू बजा है, ना जो है वो सूरज जो है वो मशरक़ की बजाय मगरिब से तुलू हुआ है। अल्लाह ना मौत के फरिश्ते दिखे हैं, ना सूर फूंका गया है। अल्लाह कुछ भी तो ऐसी निशानी जाहिर नहीं हुई कि जिसकी वजह से तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। सारे तेरे बंदे तेरे सामने तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तुझसे तेरी अल्लाह रज़ा का सवाल करते हैं, अल्लाह तुझसे तेरी बख्शिश और मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। अल्लाह हमने दुनिया में देखा दो बंदे आपस में नाराज़ हो जाएँ, एक दूसरे से माफ़ी मांगता है, माफ़ी नहीं मिलती, वो कहता है मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। अल्लाह वो रूठा हुआ नाराज़ हुआ हुआ बंदा जब तेरा नाम सुनता है कि ये अल्लाह के लिए माफ़ी मांग रहा है, कहते जाओ मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। मेरे अल्लाह हम तुझसे तेरे नाम का सदका माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह तो अपने नाम के सदके आज हमें माफ़ कर दे। अल्लाह तो अपने महबूब के सदके आज हमें माफ़ कर दे। अल्लाह आदम अली सलाम रोते फिर रहे थे, आंसू बहाते फिर रहे थे, माफ़ी नहीं मिल रही थी, बिलाखिर उन्होंने कहा अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे माफ़ कर दे। तूने फौरन माफ़ कर दिया और कहा आदम तुझे कैसे पता है कि मोहम्मद मेरा महबूब है? आदम ने कहा अल्लाह मैंने अर्श पे लिखा हुआ कलमा देखा, मैंने देखा तूने अपने नाम के साथ एक और नाम जोड़ा हुआ है, मैं समझ गया ये तेरा महबूब है। अल्लाह तूने फरमाया आदम जा तुझे मैंने माफ़ कर दिया, और सुन आदम अगर मैंने अपने इस महबूब को पैदा ना करना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। ए करीम आका तुझे उस कमली वाले का वास्ता है, ये आज उनके ग़ुलामों का एक मजमा तेरे सामने माफ़ी मांगने आया है, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह हमने दुनिया में एक और दस्तूर भी देखा है, जब छोटों से कोई गलती हो जाए तो माफ़ी ना मिल रही हो तो वो अपने ख़ानदान के बड़ों का नाम लेते हैं, मैं फ़लाने का भतीजा हूँ, मैं फ़लाने का जो है वो भांजा हूँ, फ़लाने का रिश्तेदार हूँ, बड़ों का नाम लेने की वजह से माफ़ी मिल जाती है। ए करीम आका हम अपने आका का नाम तेरे सामने पेश करते हैं, हम तेरे महबूब के
के ग़ुलाम हैं, तो अपने हबीब के सदक़े हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, हम सुधरना चाहते हैं, हम संवरना चाहते हैं, हम शुक्रगुजार बनना चाहते हैं, हम तेरे फरमा बरदार बनना चाहते हैं। सुबह तौबा करते हैं, शाम तक टूट जाती है, शाम को तौबा करते हैं, सुबह तक टूट जाती है। मैं लख वारी तौबा भनी, मैं हाँ बेतबारा, फिर भी मौला फजल तेरे थी आज आशा रखन वाला। हमने लाखों बार तौबा करके तोड़ी हुई है, हमें पता है हम बेतबारे हैं, लेकिन तूने भी तो मना किया है ना, ला तक न तू मेरी रहमत इल्ला, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत बड़ी वसी है। क्यों? इसलिए कि मैं बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमतें करने वाला हूँ, और मेरी रहमत से मायूस ना होना आ जाना, इसलिए कि मैंने अपने महबूब से वादा भी किया हुआ है, महबूब मैं तेरी उम्मत को बख्श दूंगा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, इस पूरे मजमे को आज माफ़ी का कलम फेर दे, गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दे। अल्लाह यहाँ मजमे में अल्लाह कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो इस नीयत से आज आया है कि मैं अल्लाह को नाराज़ करने जा रहा हूँ। अल्लाह सारा मजमा इसी जज्बे से आया, जाते हैं शायद अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह सारे ही आज तुझे राज़ी करने आए हैं, हनान राज़ी हो जा, मन्नान राज़ी हो जा, रहमान राज़ी हो जा, अरहमुर राहिमीन राज़ी हो जा। हमें राज़ी करना आता नहीं है, अल्लाह तुझे तो राज़ी होना आता है। हमें मनाना नहीं आता, तुझे तो मानना आता है। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दीजिए, हमारे ऊपर तरस कर लीजिए, हमारे ऊपर रहम कर दीजिए। ए अरहमुर राहिमीन, रहम की अपील है। ए अरहमुर राहिमीन, रहम की अपील है। ए अरहमुर राहिमीन, रहम की अपील है। अल्लाह मज़लूमों पर लोग तरस कर जाते हैं, अल्लाह नफ्स ने शैतान ने हमारे ऊपर बड़े जुल्म ढाए हैं, हमारा हमसे आमाल छीन लिए हैं, हमसे हमारा दीन छीन लिया है, हमसे तेरे नबी की सुन्नतें छीन ली है। अल्लाह हमसे तेरी मोहब्बत छीन ली है, तेरा ताल्लुक छीन लिया है, तेरा दर छीन लिया है। लुटे पुटे तेरे बंदे तेरे दरवाजे पे आए हैं। आज नफ्स और शैतान को अल्लाह जो है वो बर्बाद कर दे, और उनको जो है वो अल्लाह आज नाकाम कर दे, और आज अपने बंदों को कामयाब फरमा दे, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह सब दोस्तों ने तौबा की है, सब ने नेकी का इरादा किया है, अल्लाह सब की तौबा भी कबूल फरमा, सबका नेकी का इरादा भी कबूल फरमा। अल्लाह तेरे बंदे कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को सुधारने और संवारने की नीयत से उन्होंने अपने घरों को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को छोड़ा, और तेरे रास्ते के मुसाफिर बनकर चल पड़े। हमारी खुशकिस्मती कि इस मजमे में वो तेरे प्यारे बंदे इस मजमे में भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्लाह अपने उन मुसाफिरों का सदका, अल्लाह अपने उन मुसाफिरों का सदका, अल्लाह अपने उन मुसाफिरों का सदका। ए मेरे अल्लाह, तेरे रास्ते में जो कदम रखता है, तेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बंदे की दुआएं कबूल होती हैं। मेरे मालिक तू सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है, तेरे नबी के ने फरमाया है मुसाफिरों की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह आज कबूल फरमा ले, आज उन मुसाफिरों की दुआओं की बरकत से पूरे मजमे को माफ़ फरमा दे। इस मजमे में कितने बूढ़े हैं, अल्लाह बाल सफ़ेद कर बैठे, दिल काले कर बैठे, काले दिल लेके सफ़ेद बाल लेके तेरे सामने आए हैं, नादिम और शर्मसार होके माफ़ी मांगते हैं। आज उन बूढ़ों को माफ़ कर दे, सफ़ेद बालों की लाज रख ले। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दीजिए, कितने नौजवान हैं जो अपने हालात से मसाइल से तंग हो गए हैं, माफ़ी चाहते हैं, तेरी तरफ आना चाहते हैं। अल्लाह तो उनको नफ्स और शैतान के हथकंडों से निजात दे दे, और अपना ताल्लुक नसीब फरमा दे। बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों को कर्जों से निजात अता फरमा, तंग दस्तों की तंगियां दूर फरमा, बेरोज़गारों को अच्छे रोज़गार अता फरमा, बेघरों को अपने घर अता फरमा। कितने हमारे मुसलमान बहन भाई, हमारे अजीज़, हमारे बच्चे अल्लाह इस तकलीफ़ में, सैलाब में घरों से बेघर हो गए, अल्लाह उनके काम कारोबार ख़त्म हो गए। अल्लाह वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई दीवारों पर बैठा है, और कोई जो है वो बिजली वाले खंभे पर बैठा है, और कोई घर की छत पर बैठा है। ए मेरे मालिक
यानी किसी को खाने को नहीं मिल रहा और किसी को पीने को नहीं मिल रहा। ए अल्लाह इन आजमाइशों में हमें मुबतला न करना, अल्लाह हमें माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना। अल्लाह हम उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा, और जो इस आफत में तकलीफ़ में फौत हो गए उनकी मगफरत फरमा, और जिनको जिनके अजीज़ और प्यारे उनसे जुदा हो गए उनके लिए गमों का सहना आसान फरमा, जिनकी नेमतें छिन गई अल्लाह उनको नेमतों का बदल अता फरमा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, हमारे दोस्तों ने आज की इस मजलिस को कामयाब करने के लिए अनथक मेहनत की है, भाग दौड़ की है, एक एक दरवाजे पे चल के गए हैं, अल्लाह एक एक बंदे को दावत दी है। अल्लाह किस तड़प से किस जज्बे से तेरे दीन के लिए इन्होंने लोगों को बुलाया है, अल्लाह इसके बदले में हमारे इन दोस्तों को तू अपना ताल्लुक अता फरमा, अपने दीन का गम और बढ़ा दे, अपने दीन की फिक्र और बढ़ा दे, अपने नबी के इस दीन के गम को लेकर पूरी दुनिया में पहुंचने की सआदत इन नौजवानों को नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, नहीं मांगा वो भी अता फरमा। अल्लाह हमने तो अपनी सोच के मुताबिक मांगा, तो हमें अपनी शान के बकदर अता फरमा, अपने ख़जानों के बकदर अता फरमा, अपनी इज्जतों के बकदर अता फरमा। जितनी खैरें भलाइयाँ बरकतें तुझसे तेरे महबूब ने मांगी उनके सदके वो सारी की सारी हम सबको अता फरमा। जितने शुरूर से पनाह मांगी अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें भी उन तमाम शुरूर से पनाह नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदि व आलिही व सहबिही अजमाईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।